हेलो दोस्तों, प्राइमैक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इन जो थर्मोस्टेट है वो क्या वर्क होता है, किस तरीके से वो काम करते हैं और किस तरीके से हम इनको चेक करें। दोस्तों आज हम प्रॉपर तरीके से हम सीखेंगे कि इन जो थर्मोस्टेट है वो कैसे काम करते हैं और किस तरीके से हम उनको चेक करना, कैसे सेटिस्फाई करें कि ये ख़राब है या सही है। आई होप दोस्तों, मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको समझ भी आएगी। जो मैं गीजर कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल गीजर जो सेफ्ट के लिए होता है, जिसमें कि दो थर्मोस्टेट निकले हैं और इनको हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे को दबाना ना भूलें दोस्तों। उससे होगा क्या दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे ही मैं वीडियो कोई अपलोड करता हूँ, तो आप जल्द से जल्द मेरी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक मीटर की जरूरत होगी या फिर होगी सीरीज के बोर्ड की जरूरत। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आप दोनों चीजों से किसी से भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास पीला मीटर है तो आप इसको डाइवोल्ट मोड पर रखिए और डाइवोल्ट मोड पर रखने के बाद आपको एक सिरा इधर लगाना है और एक सिरा इधर लगाना है, तो आप देख रहे हैं कंटिन्यूटी आ रही है। दूसरे को हम चेक करते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे भी कंटिन्यूटी आ रही है। तो मतलब कि अभी ये जो है ये चालू हालत में है, लेकिन हम इसको चेक करेंगे कि ये किस तरीके से, मतलब कि गर्म होकर किस तरीके से ये ऑन और ऑफ होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक आपको लेनी है आग, मतलब कि किसी भी तरीके की कोई आग होनी चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ से मैं आग लगाऊंगा और इसको आप मैं गर्म करूँगा, और जैसे ही मैं इसको गर्म करूँगा तो यहाँ से ये कट ऑफ हो जाएगा, मतलब कि ये कट हो जाएगा। वो किस तरीके से होता है वो हम पूरी तरीके से ए टू जेड हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसमें मैं सीरीज से चेक करना बताऊंगा आपको, आप इस तरीके से मीटर से भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक हिस्सा इधर लगाऊंगा और एक हिस्सा मैं इसका इधर लगाऊंगा। तो आपने देखा ये हमारा यहाँ से पूरी तरीके से दोनों सिरे हमारे लग चुके हैं इस तरीके से। और अब मैं इसका प्लग जो आप देख रहे हैं ये प्लग में लगाऊंगा सीरीज के बोर्ड में, जो आप देख रहे हैं ये सीरीज का बोर्ड। अब ये दोस्तों क्या हुआ, ये बल्ब हमारा, ये देख रहे हैं आप, ये बल्ब हमारा जल चुका है। अब मैं इसको ऑफ और ऑन करके देखता हूं कि ये हमारा काम करेगा या नहीं करेगा दोस्तों। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे तार लगे हुए हैं और ये हमारा सीरीज का बोर्ड जल रहा है, और अब मैं इस पे लगाता हूँ आग, मतलब कि इसको करता हूँ मैं गर्म। तो जैसे ही मैं इसको गर्म करता हूँ तो यहाँ से ये कट हो गया दोस्तों। अब इसको मैं हटाता हूँ अलग। अब जैसे ही मैं इसको अलग हटाता हूँ तो ये थोड़ी देर के बाद ये ऑन हो जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ से ये ठंडा होगा तो उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से ऑन हो जाएगा। अगर ये ऑन नहीं होता है या ज़्यादा टाइम में ऑन होता है तो आप समझ लीजिए कि ये थर्मोस्टेट हमारा ख़राब हो गया। आप देख रहे हैं ये हमारा बिल्कुल ऑन हो गया है। फिर इसको दोबारा मैं एक बार और करके देखता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखें आप, ये काम कर रहा है अच्छी तरीके से। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ये तो हुई दोस्तों थर्मोस्टेट की बात, जो कि हमारा 65% पे ये सेट होता है। अब हम कर लेते हैं दोस्तों इससे दूसरा जो हमारे पास है, ये मैनुअली रीसेट, मतलब कि जब कभी भी अगर आपका टाइमर सॉरी थर्मोस्टेट कभी भी ये वाला अगर ख़राब हो जाता है, मतलब कि इसके अंदर पॉइंट होते हैं, अगर ये आपस में चिपक जाते हैं तो हमेशा ये ऑन रहता है। अगर ये ऑन रहेगा तो हमारा एलिमेंट वगैरह और अदरवाइज बहुत सी दिक्कतें ये ला सकता है। तो उसके लिए अगर ये कभी भी ख़राब हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है, तो उसकी जगह फिर ये काम करता है। ये 90%, मतलब कि 90 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही पानी ओवर होता है, मतलब गर्म होता है, तो ये ऑटोमेटिकली बंद कर देता है। तो अगर ये ऑटोमेटिकली बंद कर देता है तो उसके बाद ये खुद हाथ से, ये पेज खोलने के बाद हाथ से इसको खुद रीसेट करना पड़ता है। जब तक ये रीसेट नहीं होगा तो तब तक आपका गीजर चालू नहीं होगा। तो कभी भी आप कभी भी सही करने जा रहे हो आप कस्टमर के घर पे, तो आप देख लें कभी भी ये वाला अगर टाइमर थर्मोस्टेट सॉरी अगर ये वाला थर्मोस्टेट कभी भी आपको खुद मैनुअली हाथ से रीसेट करना पड़े, तो आप समझ लीजिए कि दूसरा थर्मोस्टेट हमारा ख़राब है। अब दोस्तों इसको कैसे चेक करेंगे, इसको मैं यहाँ से खोल लेता हूँ। इसको खोलने के बाद मैं इसकी जगह अब मैं लगाता हूँ दोस्तों इसको। दोनों तरीके से उसी तरीके से चेक होगा ये भी, लेकिन इसका थोड़ा प्रोसेसर काम करने का थोड़ा सा अलग है दोस्तों। वो कैसे है वो मैं अभी आपको जब चेक करूंगा तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये हमने यहाँ से बिल्कुल दोनों तार हमने लगा दिए हैं और ये मैं लगा रहा हूँ सीरीज के बोर्ड में।
आप इस तरीके से मीटर से भी चेक कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसको करता हूँ गर्म, आग हमारी जल रही है तो अब मैं इसको करता हूँ गर्म। अब दोस्तों आप देखेंगे उसके टाइम में और इसके टाइम में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म होने पर ये हमारा बंद होगा। और आप देख रहे हैं ये बिल्कुल बंद हो गया, सीरीज का बोर्ड बिल्कुल बंद हो चुका है। अब देखते हैं ये कितनी देर में होगा। तो आप देखेंगे ये ऑन नहीं होगा। तो ऑन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये मैनुअली करना पड़ता है। अब जब मैं इसको यहाँ से मैनुअली करूँगा, क्योंकि अभी गर्म है ये हो नहीं सकता, तो जब इसको मैं हाथ से करूँगा तभी होगा ये। तो इसके लिए ये सेफ्टी स्विच है, समझ लीजिए एक टाइप से, या आप यूँ कह लीजिए कि ये सेफ के लिए है। और उसमें क्या होगा, ये नुकसान भी बचाता है। कभी भी आपका वाला अगर थर्मोस्टेट कभी भी ख़राब होता है तो हमारा ये वाला काम करेगा 96% जैसे ही टेम्परेचर जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली ये बंद कर देगा। और इसको हाथ से, मतलब इस तरीके से इसको मैनुअली करना पड़ता है। तो अब मैं दोबारा एक बार और देखता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये मैं इसको गर्म कर रहा हूँ और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से बंद हो गया है। और अब मैं देखता हूँ, थोड़ा सा इसको ठंडा करने के लिए वेट करता हूँ कि ये होता है नहीं होता है, क्योंकि ये मैनुअली हाथ से करना पड़ता है। अगर आपका इस तरीके से, मतलब जो आपने देखा इस तरी इसको किस तरीके से चेक करते हैं और इसको किस तरीके से चेक करते हैं, मतलब दोनों का एक ही है, लेकिन ये सिर्फ मैनुअली करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक होता है। तो आई होप दोस्तों ये आपको समझ आ गया होगा। मैं आप इसको दबाता हूँ तो ये देखें आप, बिल्कुल मैनुअली ये काम कर रहा है। मैं सीरीज से हटा लेता हूँ इसको। तो आपने देखा दोस्तों ये किस तरीके से चेक करते हैं, तो आपको समझ भी आ गया होगा कि थर्मोस्टेट को किस तरीके से चेक करते हैं और क्या काम होता है इसका और किस तरीके से काम करता है। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। अगर आपको पसंद और समझ आई तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपका सिर्फ एक अंगूठा लगना है। और दोस्तों मैं ऐसे ही आपको और नई से नई जानकारी और नई से नई सीख मैं आपको देता रहूँगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।